हमारे कबीले और हमारे जवानों पर इस सालिशार गद्दार ने बुरी तरह हमला किया। इसका खून हमारे सरदार पे हलाल है। सब सुनो, पहला हक इस बेशरम को सबक सिखाने वाले मेरे भाई उस्मान का है। उस्मान साहब अपने साथ कबीले को भी आग में झोंक रहे हैं। मत करें, बैठकर बात करते हैं, सौदे की बात करें। तुम्हारे सामने तुम्हारा सांजाक सरदार है, तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। अक्ल से काम लो। गेहातू के शर से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं उस्मान। हर किस्म के शर से हमारी हिफाजत सिर्फ एक ही जात कर सकती है और वो है मेरे रब की जात। तुम तो अपनी इज्जत की हिफाजत के भी काबिल नहीं रहे। उस्मान साहब ऐसा मत करें, मेरी बात सुने, सुने मेरी बात सुने। सुनो, कुछ ले देकर खत्म करते हैं। पता नहीं कौन आ रहा है, देखते हैं, अल्लाह खैर करे। कौन हो सकता है? गेहातू के कुत्ते आलीशार को बचाने आए हैं। सोबोता है। मैं
नया आंसू बताए। मैं ताकतवर गेहातु के सफीर के तौर पर आया हूं। सांजाक सरदार, आलीशार को फौरी तौर पर छोड़ दो। एक बात और, इस उस्मान को मेरे हवाले कर दो, वरना सिर्फ काई कबीला ही नहीं, इस सरहद पर मौजूद तमाम कबाइल मेरी तलवार का निशाना बनेंगे। नौयान सुबुताए, मैं गुंदूस सरदार हूं। हम लोग एक बार मरते हैं और हजार बार जिंदा होते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन मेरे भाई उस्मान को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तुम ताकतवर गेहातु के हुक्म की मुखालफत कर रहे हो। खुद को ताकतवर कहता है गेहातु, क्या वो तुर्क रिवायात से ज्यादा ताकतवर है जो इस गद्दार की जान बख्शी करवाना चाहता है? गेहातु चाहता नहीं है, गेहातु हुक्म करता है। उस्मान साहब, तुम्हारी रिवायत को जब हमने कोनिया फतह किया अपने पैरों तले कुचल दिया था। मेरी शादी होगी कल यहां, और के हाथों से जाकर कह देना अगर वो मेरी जान लेना चाहता है तो उसे कहो क्या जाए, काइयों को उन लोगों से मत मिलाओ जो अपनी रूहों को और अपनी रिवायात को अपने मुस्तकबिल के लिए बेच देते हैं। अगर वो हमें अपने ताबे करने की ताकत रखता है तो कहो उससे क्या है। तुम के हाथों के खिलाफ जाओगे उस्मान। किसी जालिम को माफ करना मजलूम पर जुल्म है। हमारी रिवायात और मजहब में इसकी कोई जगह नहीं। और आप जाओ और गेहातु को बता दो। से उन सरजमीनों से जिनको हमने फतह किया है जुल्म का खात्मा हुआ। हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा की आजादी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह हू 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 अकबर, अल्लाह ह
चलो, अगर हम उस बागी को ना पकड़ सके तो बादशाह हम सबको मार देंगे। आधे इधर जाए, आधे मेरे साथ आए। तुम लोग मेरी जमीन पर हो, बादशाह को तो तुम्हारे सर मैं भेजूंगी। अलाजा, तुम्हारे और मेरे दरमियान बहुत से राज हैं। उनमें से कोई उस्मान साहब को बताना चाहती हो? कराइल, सुना तुमने बाला खातून और अलाजा ने क्या कहा? इनके कुछ राज हैं, क्या हो सकते हैं? हम कहते हैं कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम तेज दौड़ते हैं। जो जितना प्यार करता है उतना तेज दौड़ता है। कराइल, सुना तुमने? हाँ, तुम्हारी समझ में आया? लेकिन ये नहीं जानते कि मोहब्बत की खातिर हम बहुत से सरजमीनों पर हवा और लहरें बन जाते हैं। तो फिर क्या ख्याल है, हो जाए मुकाबला? कराइल, चलो, हवा की तरह उड़ने का वक्त आ गया है। या! चलो लाचा। उस्मान, सोफिया यहाँ है। आका, यानी इसकी एक एक सांस के बदले में तुम में से हजारों को मारूंगी। ना तुम, बादशाह को तो तुम्हारे सर मैं भेजूंगी।
बहुत दूर से आए हो ना, भूख भी लगी होगी ना। अभी कुछ अच्छा सा बनाती हूँ आपके लिए। आपने आकर अच्छा किया। आई गोल, आई गोल, अम्मी आए देखे। देखे बतूर भाई आए हैं, ये कुछ अच्छा सा खाना चाहते हैं। आज ये साथ मिलकर खाते हैं। आई कोई मेरी खूबसूरत बेटी, तुम्हारा भाई बतूर अब नहीं आएगा। बस करो बेटी, क्योंकि हमसे बहुत दूर चला गया है बतूर, वो जन्नत में है अब। देखें, वो यही है। कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसीलिए मेरे पास आए हैं। अब तुम होश में आ जाओ मेरी बच्ची, बतूर मर चुका है, चलो उसकी कब्र पर जाते हैं, उसके लिए दुआएं मगफरत करते हैं। बस आपने मारा है इसलिए आपको लगता है मर गए हैं। मैंने अपने भाई को नहीं मारा, इसलिए वो मेरे पास हैं, आपके पास नहीं, मेरे पास हैं। ऐसा मत करो बेटी, चलो आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारे हाथों में मिट्टी लगी हुई है, चलो आ जाओ। आपकी वजह से भाई चले गए, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से चले गए भाई, आपकी
हमारी वजह से चले गए भाई, आपकी वजह से। देखे ये मार रही है मुझे भाई, देखे मुझे इनसे बचा ले बतूर भाई जा। मुझे बचा ले। आ जाओ, बैठ जाओ। प्यास लगी होगी तो फिर जीत नहीं पाई। हाँ समझते हैं, आपको नहीं जानती मैं। अगर आप जीतना चाहते तो अलाजा तो क्या शाहीन के परों पर भी बैठ जाती तो आप तक नहीं पहुंच सकती थी। पहली दफा मेरा दिल इस तरह कांप रहा है, बहुत खुश हूं मैं। बहुत मजबूत है तुम्हारा दिल, यकीन और ईमान भी बहुत मजबूत है तुम्हारा बाला, लेकिन खुशियां रंज से बड़ा इम्तिहान है। तुम्हारा दिल कांप रहा है इसीलिए। हम दोनों मिलकर बहुत जल्द सुरखरू हो जाएंगे। काफिरों की सरजमीन पर गाड़े गए हमारे झंडे हम उससे भी आगे दूर सरजमीनों तक लेकर जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे आपके साथ होंगी उस्मान। मालूम नहीं कि हमारी औलाद होगी कि नहीं, लेकिन एक चीज है कि आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। हर चीज तो रब ही जानता है, बस वो कभी मुझे तुमसे दूर ना करे। यकीन रखो औलाद होगी, मैं ये दिमाग से नहीं बल्कि अपने दिल से कहता हूं। हमारे बच्चे जरूर होंगे और नस्ल आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। उस्मान इंशाल्लाह। रब हमें कभी मायूस लोगों में शामिल न करे बल्कि उन लोगों में शामिल फरमाए जो नेक काम करते हैं, सवाले हैं, जो एक दूसरे से हक बात और सबर की तलखीन करते हैं। आमीन। दिन आएगा जब हमारे खेमे में बच्चों की आवाजें सुनाई देंगी, उस वक्त
इकट्ठे हो जाएंगे तुर्क कबाइल और वजूद में आएगी एक रियासत। इंसाफ और आजादी की आवाज जब उठेगी तो सारी दुनिया में फैल जाएगी। बाला खातून से परवरिश पाने वाली ख्वातीन और उस्मान से तरबियत याफ्ता जंगजुओं से हम रियासत कायम करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो वो दिन जरूर आएगा बाला। इंशाल्लाह उस्मान। तो चलो, क्यों खड़े हैं हम दोनों यहां? दौड़ का कहा था तो जरूर होगी, जो पहले कबीले पहुंचा जीत उसके। अच्छा तो ऐसा है। उन्होंने बहुत जल्दी शादी कर दी। उन्होंने कुर्बानी भी दी, पहले एक जानवर की, उसके बाद दूसरे जानवर की कुर्बानी दी, फिर एक और जानवर की कुर्बानी दी। बाकी कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? ये फूल मैंने और बतूर भाई ने चुने हैं। उनकी दुल्हन के सर पे सजाऊंगी ये। ये कैसे लग रहे हैं बाबा? जैसे कोई परी हो मेरी बच्ची। जब मैं दुल्हन बनूंगी तो इस तरह के फूल अपने लिए भी जमा करूंगी मैं। हम सजाएंगे बेटी। हुजूर, हमारी बेटी आयगुल का क्या होगा? किसी मारूफ रूहानी शख्सियत को ढूंढना चाहिए या फिर किसी तबीब को। हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। गुंदूज ने कहा है किसी अच्छे तबीब को दिखाना चाहिए। उसने हर जगह हर तरफ कासिद भेज दिए हैं। इंशाअल्लाह हमें कोई अच्छा तबीब मिल जाएगा खातून। इंशाल्लाह हुजूर, इंशाल्लाह।
हुजूर, आपने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, मैं लेकर आती हूं। मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। मेरी बेटी की हालत देखो, मेरा बेटा बहादुर अपने ही कबीले में कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहा है। अगर गजल खातून यहां आ गई और पूछा मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, तो क्या जवाब दूंगा? अब हमें इन दिनों में आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ खाने को लाती हूं आपके लिए। काई कबीला पहले से काफी बड़ा हो गया है। गजल खातून, ये यहाँ मौजूद कबीलों में सबसे बड़ा कबीला है। हर जरूरत की चीज आपको यहाँ मिलेगी, सोना और जंगी सामान। सियासत सालतुख सिपाही, इल्म सियासत, उसके बगैर तो ना सोने के सिक्कों की कीमत है और ना ही तलवारों की। सालतुख, जब हम अपने खेमे में जाएंगे तो बहुत से लोग हमारे पास आएंगे, बदतमीज लोग ना आने पाए। जैसे आपका हुक्म गजल खातून, आप फिक्र ना करें। हर साहब उनको देख के बड़ा खुश हूँ, अच्छा लगा गजल खातून आई। गजल, जहां भी जाता है वहां बदकिस्मती लेकर आता है। सो बताए, जिन पर कुत्ते ना भौंके वो भेड़ियों में शुमार नहीं होते। अपने इन बोसीदा दांतों को दिखाकर भौंकना बंद करो और तुम मुझे बलगाय के पास ले चलो। हमें कैसे तलाश कर लिया तुमने? बलगाय के साथ मैंने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है। मैं इस खून को पहाड़ों की चोटियों से सूंघ सकता हूं। तुम मुझे बलगाय के पास ले चलो, उसको कुछ आम चीजें बतानी है। बलगाय के साथ गद्दारी करने के बजाय मैं यहीं मर जाऊंगा, तुम ये नहीं जानते क्या? दरअसल अगर तुम मुझे बलगाय के पास नहीं लेकर गए तो फिर तुम उसके साथ गद्दारी करोगे। तुम्हें क्या लगता है बलगाय मेरे 3 सिपाहियों के साथ निमट नहीं सकता? तुम्हें नजर नहीं आता यहां सिर्फ मैं और मेरे सिपाही हैं? हाँ, जब काम करने का वक्त आता है तो घोड़ा शिद्दत से पानी पीता है और
बहादुर अपने जूते पहन लेते हैं और दरिया अबूर करते हैं। मैंने अपने जूते पहने और आ गया। जेर कोताए, मैं वो हूं जिसने उसकी बहुत सी जंगों में मदद की। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश होगा। चलो ले चलो बलगाय के पास। दुंदार साहब, खुश आमदेद खातून। शुक्रिया। तुम क्यों हैरान हो रही हो जहरा? तुमने मेरा इस्तकबाल नहीं किया। खुश आमदीद। आपके बुलावे पर मैं पानी और हवा की तरह आ गई हुजूर। यहां जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। शुक्रिया खातून, शुक्रिया। बैठ सकते हैं। मैंने सालतोक सिपाही को तुम्हारी तरफ भेजा था, लेकिन अगर तुम बता देती कि करीब हो तो मैं मजीद सिपाही भेज देता। सरहदें महफूज नहीं है खातून। मैं सरहद के सबसे मशहूर सरदार की बीवी और नेकिया के सबसे बाहिम्मत सरदार की बहन हूं। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। खुश आमदीद गजल खातून। शुक्रिया गुंदूस, जीते रहो।
अम्मी जान, तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान जाए मेरे शेर। गुंदूस, बाहिम्मत गुंदूस, सरदारी बहुत जचती है आप पर। शुक्रिया चची जान, शुक्रिया। मेरे भाई चुबानुलार के सरदार आपको सलाम कह रहे थे। काई जिहादी लोग हैं वहां, उन्होंने काफिरों के खिलाफ जंग के लिए आप लोगों के लिए उलूफ भेजा है। हम उनका भेजा हुआ सलाम एहतराम के साथ कबूल करते हैं, लेकिन काई उलूफ से नहीं बल्कि अपने ईमान से लड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं बेटे, हमने उसे नेक नियति से दिया और आपने उसे अपनी गैरत से मुस्तरद कर दिया, जो आपकी खुशी। खुशामदीद गजल खातून। बहुत शुक्रिया सलजान खातून। तुम्हारा यहाँ आना अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ आने की क्या वजह है? क्या तुम्हें दुंदार साहब की याद ने इतना सताया कि तुम माजी को भूल गई? हसरत है मुझे इस बात की कि काश ऐसा होता सलजान खातून। बेशक मैंने अपने कबीले, अपने रिश्तेदारों और अपने शौहर को बहुत याद किया, लेकिन चलो इसे दौरा नहीं बल्कि कुछ मुद्दत के लिए कयाम कहते हैं, है ना? अच्छा, अच्छी बात है। خوش آمدید، خوش آمدید صوفیہ خاتون۔ خداوند آپ کو سلامت رکھے۔ خداوند کا شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت صوفیہ۔ خوش آمدید شہزادی صوفیہ۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ خوش آمدید شہزادی صوفیہ۔ یسوع مسیح نے ہمیں آپ سے ایک بار پھر ملوا دیا۔ آقا یانس کی موت کا سن کے ہمیں بہت دکھ ہوا شہزادی۔ بادشاہ کے دستے میرا پیچھا کر رہے ہیں، वो मुझे मारे बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आप चाहें तो हम कुछ वक्त के लिए निकिया चले जाएं। अभी भी हमारे कुछ वफादार दोस्त हैं वहाँ पे। नामुमकिन, बहुत से लोग हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि वो मुझे यहाँ से निकलता देखें और मार डालें। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। सिपाहियों, हर कोई अपनी जगह संभाल ले। मैं कले के हिफाजती इकदामात में इजाफा करूंगा। अगर आप चाहें तो कले के आसपास खंदक खोदकर हम जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये बात तुम भी जानते हो कि बादशाह के लश्कर को शिकस्त देने के लिए ये सब काफी नहीं होगा सिल्वादोर। हाँ, लेकिन हमारे पास बचने का एक मौका हो सकता है। और वो आखिरी मौका क्या है शहजादी? सिर्फ एक ही ताकत है जो हमें बादशाह से बचा सकती है, आई कबीला। सल्वादोर, तुम फौरन वहां जाओ और कहो कि मैं इत्तेहाद के लिए हर शर्त पर राजी हूं, हत्ता के जरूरत पड़ी अगर अपनी हिफाजत के लिए जुजिया देने के लिए भी तैयार हूं मैं। नहीं, उस्मान ये कभी भी कबूल नहीं करेगा शहजादी। उसे मनाने के लिए हमारे पास
और कोई रास्ता नहीं बचा है हेलेन। और मुझसे वाबस्ता तमाम ईसाइयों की किस्मत अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें हर तरह का इख्तियार देती हूँ। उस्मान को कहो मुझे उसकी हर तरह की शर्त कबूल है। जैसा आप कहें शहजादी।